देख रहे हैं महा कार्टून टीवी XD। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है सफेद भूत के सवाल। बहुत समय पहले किसी झील के किनारे एक पुराना घर था। घर बहुत ही बड़ा और शानदार था। उस घर में भूतनाथ नाम का सफेद भूत रहता था। इसलिए घर का मालिक राजू उस घर को बेचना चाहता था। वो अक्सर धोखे से लोगों को उस घर में ले जाता, मगर भूतनाथ उन्हें डराकर भगा देता। मैं हूँ सफेद भूत, ये कौन आया है पहन के सूट? अरे भागो भागो, यहाँ तो भूत है। भूत हमेशा सवाल करता था, लेकिन सब बिना जवाब दिए ही डरकर भाग जाते थे। एक दिन राजू भूत भगाने वाले को ढूंढते हुए शहर पहुंचा। शहर पहुंचने पर उसने एक दुकानदार से पूछा, अरे भाई साहब, क्या आप किसी भूत भगाने वाले को जानते हैं? भूत का नाम सुनकर दुकानदार की हंसी छूट गई और वो कहने लगा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। यह सुनकर राजू ने सोचा कि जो भूत में विश्वास नहीं करता वो मेरी मदद क्या करेगा, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो भूतों में विश्वास भी करता हो और भूतों को भगा भी सकता हो। ऐसा सोचकर राजू आगे चल दिया। आगे जाकर उसे मोहन नाम का एक आदमी मिला जो आज तक बहुत से भूतों को मजा चखा चुका था। राजू ने उसे सारी बात बताई और कहा, अगर तुम मेरे घर से भूत भगा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे भूत भगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप बस पैसा तैयार रखना। अगले दिन सुबह मोहन अपने सूटकेस के साथ झील के पास बने पुराने घर की तरफ चल दिया। घर में पहुंचकर उसने देखा कि सब शांत था, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं था। तभी अचानक उसे एक डरावनी भूतिया आवाज सुनाई दी, सफेद। यह सुनकर मोहन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपने डर को दिखने नहीं दिया और चिल्लाकर पूछने लगा, कौन है, कौन है वहाँ? सफेद। कौन है, तुम सामने क्यों नहीं आते? लेकिन कोई सामने नहीं आया, बस लगातार एक ही डरावनी भूतिया आवाज सुनाई दे रही थी, सफेद, सफेद। फिर अचानक बाहर बहुत तेज हवा चलने लगी। घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से एक दूसरे से टकराने लगे। अब मोहन थोड़ा डर गया था, उसे ये भूत समझ नहीं आ रहा था। अचानक कुछ समय बाद सब एकदम शांत हो गया। ये देखकर मोहन ने चैन की सांस ली, चलो अब मैं कम से कम कुछ सोच तो सकता हूँ। ऐसा कहकर मोहन वहीं बैठ गया और भूत को घर से निकालने के बारे में सोचने लगा। ये कैसा भूत है जो सामने नहीं आता? अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे इसकी कमजोरी का कैसे पता चलेगा? मुझे कुछ भी करके इसे बात करने पर मजबूर करना होगा। ऐसा सोचकर मोहन खड़ा हुआ और अपना डर छुपाते हुए जोर से बोला, ओए भूत, छुप कर कहाँ बैठा है, हिम्मत है तो सामने आ। ऐसा बोलकर मोहन आसपास देखने लगा। तभी अचानक एक बहुत डरावनी भूतिया आवाज हुई और एक सफेद रंग का भूत जिसकी काली आंखें थी मोहन के सामने आया। उसे देखकर डर के मारे मोहन का पसीना निकलने लगा। मैं हूँ सफेद भूत, अजनबी आया है पहन के बूट। इस पर मोहन अपना डर छुपाते हुए बोला, तुम? पर भूतनाथ ने उसे बीच में ही टोक दिया। सफेद भूत ने खूब समझाया, अजनबी उसे समझ ना पाया। क्या नहीं समझ पाया? सफेद भूत की काली आंखें, अजनबी अपना रास्ता नापे। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें इस घर से भगाने आया हूँ। जब तक तुम इस घर से नहीं जाते मैं यही रहूँगा। सफेद भूत को जो बताए वही उसे घर से भगाए। सफेद भूत की ये बात सुनकर मोहन समझ गया कि इस भूत को ताकत से नहीं दिमाग से ही हराया जा सकता है, इसलिए उसने कहा, मोहन जवाब देने आया,
भूत से वो घर लेने आया। मोहन बताए मेरा नाम, दुनिया को देखना मेरा काम, मैं देखूं सबकी दुनिया, बस ना देखूं अपनी दुनिया। सफेद भूत के इस अजीब से सवाल पर मोहन सोच में पड़ गया। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ यही एक मौका है। अगर उसने इस सवाल का जवाब गलत दिया तो वो सफेद भूत को कभी घर से नहीं निकाल पाएगा। इसलिए बहुत सोचने के बाद वो बोला, आंखें आंखें देखे सबकी दुनिया, बस ना देखे अपनी दुनिया। मोहन का जवाब सुनकर सफेद भूत बहुत दुखी हो गया और बोला, क्या गजब मोहन तू बोला, तूने मेरा राज खोला। करता हूँ मैं बस काम की बात, अपने आप ही खुल जाते हैं राज। अजनबी ने जवाब बताया, सफेद भूत को घर से भगाया। ऐसा कहकर सफेद भूत उड़ता हुआ घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही सब भूतियाँ आवाजें आनी बंद हो गई। घर का मालिक मोहन को भूत भगाने का इनाम देता है और घर बेचने का विचार छोड़ देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।